तीन जून के दिन आप देख रहे हैं घोसला पशु मंडी, देख सकते हैं। घोसला पशु मंडी में आज की बात करें तो भैंसे काफी भारी मात्रा में वृद्धि हुई है, जो गाबन बाकड़ी में से। दोस्तों गाबन बाकड़ी में से की घोसला पशु मंडी से बात करें तो देख सकते हैं पूरी मंडी लबालब भर चुकी है। और ये तानी भैंस की मंडी है दोस्तों, तो तानी भैंस की हम बात करें, तानी भैंस में भी दोस्तों वृद्धि तो देखने को मिली है, पर कुछ खास नहीं है यदि पिछले सप्ताह के मुकाबले। घोसला पशु मंडी की बात करें तो कुछ वृद्धि तो दिखी है हमें, अभी जैसे ही कुछ सप्ताह बढ़ेंगे, बरसात का समय आएगा तो पूरी मंडी में पैर रखने की जगह नहीं मिलेगी यहाँ पर भी। तो दोस्तों घोसला पशु मंडी मध्य प्रदेश के उज्जैन जिले में आती है और हर सोमवार के दिन यह पशु मंडी लगती है, जो आगर उज्जैन का जो ये मुख्य मार्ग है, देख सकते हैं मेरे पीछे, इसी पर लगती है घोसला में। तो बढ़ते हैं वीडियो में आगे, और आप पहली बार हमारे चैनल के माध्यम से दोस्तों वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, एक प्यारा सा कमेंट करें और वीडियो को दबाकर लाइक करें। और आप देपालपुर पशु मंडी से कैसी वीडियो देखना चाहते हैं वो आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। पहले ज्यादातर भाकड़ी भैंस की कमेंट आती है तो हम उसी को कवर करते हैं, बाकी आप गाय भी देखना चाहते हैं तो वो भी बता सकते हैं। दोस्तों ये दोनों भैंस देख सकते हैं, ये अभी सेल हो चुकी है, और किसने खरीदी है, किस रेंज में खरीदी है, देख सकते हैं आप, इन दोनों की जानकारी बताएंगे। काफी बढ़िया भैंस है, बड़ी हाइट है, और वो बड़ी उधर से तो उनको कहाँ आए हो बाबू जी आप? बोलखेड़ा नाव से। बोलखेड़ा नाव से दोनों आपने खरीदी? दोनों हमने खरीदी। अच्छा, किस रेंज में? अब एक तो 82,000 की है जी, और एक 75 की। 75,000 की 82,000 वाली कौन सी है? वो वाली, और ये वाली 75 की। ये वाली देख सकते हैं 75,000 में खरीदी है, जो अंकल जी पहुंचे इन्होंने। और ये वाली देख सकते हैं, ये 282,000 रुपए में खरीदी है। देख सकते हैं कद काठी बढ़िया है, हाइट भी बढ़िया है भैंस की। तो ये गाबन है? गाबन है। अच्छा, कितने महीने? 5 महीने। और वो वाली? वो वाली भी 4 महीने। वो भी 4 महीने। आपका क्या नाम है भैया? नारायण सिंह, प्रधान सिंह नाम है। प्रधान सिंह, आपका नारायण सिंह जी, आपका प्रधान सिंह जी, आप भी बोरखेड़ा नाव से आए? ठीक है भैया। ये बच्चा किसका है? बड़ी वाली भैंस का, इसका। ठीक है साहब, देख सकते हैं गाबन बाकड़ी भैंस के लिए घोसला पशु मंडी है दोस्तों, बड़ी बड़ी भैंसों के लिए फेमस मंडी है। एक राजा फेंक दो। इस वाली भैंस को देखिए, बच्ची है, इसके नीचे पाड़ी है, इसकी भी कदकाठी बढ़िया है। तो देख सकते हैं अभी खाली होगी शायद, गाबन नहीं होगी ये। भैया खाली है? गाबन है 4 महीने। क्या कर रहे हो भैया? कीमत 95,000 रुपये। 4 महीने प्रेग्नेंट है दोस्तों, और 95,000 रुपये इसकी डिमांड रखी है, देख सकते हैं आप। और दोस्तों यह कीमत सिर्फ एक अनुमान है, और आप फाइनल ना समझे, क्योंकि सौदे में जो भी रेट हो जाए बैठक में, रेट कम होते ही होते हैं, किसी भी पशु मंडी को देख लो आप। तो भैया अभी इसका दूध कितना क्या है? 1.5, 1.4। अच्छा, कौन से जंगल की है भैंसे? ये हरियाणा की है। आप कहाँ से हो? हतोत से। हतोत से आए हो, तो हतोत से पहुंचे हैं इंदौर के नजदीक से भैंस लेकर। बच्ची है इसके नीचे पाड़ी, ये देख सकते हैं, और शायद दूसरे में हाथ में होगी भैया, है तीसरे में। तो आखिरी क्या इच्छा है भैया आपकी? एक आखिरी क्या इच्छा है? लग रहे हैं, लग रहा है 80,000 तक। ठीक, देख लीजिए 80,000 रुपए इसकी बताई जा रही है डिमांड, जो भैंस मालिक है उनके द्वारा कितने लग रहे हैं, जो भी बैठक में सौदा हो जाए। एक इस वाली भैंस को देखिए, इसकी भी काफी बढ़िया कदकाठी है। घोसला पशु मंडी की बात करें तो एक बार नजारा देख लीजिए, सभी जो गाबन बाकड़ी में से है, बड़ी बड़ी भैंसे पहुंचती है इस पशु मंडी में। तो भैया जय राम जी की, क्या हाल चाल है? बढ़िया। दोस्तों इस वाली भैंस के बारे में हम पहले आपको ऑर्डर क्वालिटी बताते हैं, फिर इसकी पूरी आपको जानकारी देंगे। कद काठी की बात करें तो बढ़िया है, प्रेग्नेंट है ये भैंस। जो भैंस के मालिक हैं उनसे आप
उनसे आपकी चर्चा करवाते हैं। भैया वो वाली प्रेग्नेंट ग्यावन है, कितने महीने? ठीक है भैया, 295,000 रुपए इसकी डिमांड बताई जा रही है और 3 महीने करीब याबन है। यह सिर्फ एक कीमत जो भैया ने मांग रखी है वो है, बाकी आप ऐसा ना समझे कि फाइनली डिमांड है। रेट यदि भैंस का सौदा होता है तो रेट कम हो जाएंगे, करीब करीब आप मान के चलिए कि 95,000 रुपए बताई जा रही है, तो 75,000 के आसपास में मिल भी जाएगी। एक इस वाली भैंस को देखिए, इसका भी ग्राहक लगे हैं दोस्तों, सौदा भी चल रहा है, तो देखते हैं क्या कीमत इसकी लगाते हैं। भैया ग्यावन है ये खाली? 5 महीने। क्या कर रहे हो भैया कीमत? 65,000। देख सकते हैं 5। ये बच्ची भी इसी देख लीजिए, बच्ची है और 5 महीने प्रेग्नेंट है। 65,000 रुपये भैया ने इसकी डिमांड बताई है घोसला की पशु मंडी से, जो हर सोमवार के दिन यह मेला मंडी लगती है, उज्जैन जिले में आती है मंडी। और पहले हर बार की तरह हम जो गाबन भाकड़ी में ऐसे बड़ी बड़ी यहाँ की इस वीडियो के माध्यम से कवर करते हैं, आगे कुछ तानी भैंस बताएंगे और कुछ बांध साथ आपको आज की पशु मंडी में गाय भी बताएंगे। एक इस वाली भैंस को देखिए, इसका भी अभी 200 सौदा चल रहा है, इसी का सौदा हो रहा है, तो सौदा जो भी होगा हम आपको लाइव बताएंगे। तो गाबन होगी शायद 3 से 4 महीने के आसपास में, जो भी हो और जानकारी ले लेंगे और कीमत के बारे में हम कितनी क्या वो कीमत लगाते हैं देख सकते हैं आप आगे इसके में लाइव सौदा। ₹70,000 भैया ने फाइनल कीमत बताई है दोस्तों, और 62,000 इसके लग चुके हैं, 62,000 रुपये तक इसके पशु मंडी में लग चुके हैं। इस वाली बच्ची को देखिए, भैया कौन से में, कौन से व्यात में? तीसरे में। क्या कर रहे हो कीमत? कीमत क्या कर रहे हो? कीमत 65,000। खाली है भैया गाबन? अच्छा नीचे बच्चा है, 2 मिनट, नीचे बच्चा है। 65,000 रुपए दोस्तों इसकी डिमांड रखी है खाली भैंस से, देख लीजिए। अभी दूध कितना क्या है भैया इसके पास? 4-4 किलो दोनों टाइम का, 4-4, 8 किलो रोज का। अच्छा नीचे इसके बच्चा है और 8 किलो के आसपास में इसका दूध बताया जा रहा है, तो देख सकते हैं आप। एक इस वाली भैंस को देखिए, इसकी क्या कर रहे हो कीमत? क्या कर रहे हो भैया कीमत? ये कीमत इसके 85,000 रुपए। अच्छा ग्यावन है भैया? नहीं ग्यावन तो 1 महीने की है, सुबह 5 लीटर दूध है इसके पास। अच्छा, बच्चा बच्ची है? नहीं, बच्चा नहीं। अच्छा 1 महीने की ग्यावन पक्की है। अच्छा 1 महीने की पक्की है ग्यावन, देख सकते हैं इसकी 85,000 रुपए के आसपास में इसकी डिमांड रखी गई है। दूध है 4 से 5 किलो के आसपास में, और करीब तीसरे में होगी शायद, तीसरे में आते के आसपास में। बटर क्वालिटी देख लीजिए। ठीक है भैया, कहाँ से आए हो आप? हतोत से ही हो आप? आखिरी क्या इच्छा रखते हो भैया? 75 में देना। 75,000। ठीक है भैया, दोस्तों एक यही पशु मंडी में गाय दिखी है हमें, तो पहले इसको बताते हैं फिर भाकड़ी में इसको आगे बताएंगे। गाय को देख लीजिए, तो भैया आपने खरीदी के बेचने लाए? भैया खरीदी अपन ने 3 महीने की याबन किसान से। 3 महीने गाबन है? अच्छा पालने के लिए। जी भैया कहाँ से आए हो आप? मैं गौतमपुरा से आया हूँ। गौतमपुरा से पहुँचे भैया, देपालपुर के नजदीक से। देखिए आप, तो भैया किस कीमत में खरीदी आपने? मैंने खरीदी 20,000 रुपए। 20,000 रुपए में।
तो भैया आप देपालपुर मंडी है आपके नजदीक, तो फिर यहाँ आए आप? जहाँ से अपने को दो पैसे का फायदा हो उस मंडी से माल ले लो। अच्छा ठीक है भैया, पालने वाले जी, तो कितना क्या आपके अनुमान से दूध दे देगी भैया ये तानी में? अभी तो ग्यावन है, तानी पहली बार मतलब ग्यावन हुई है। अच्छा फर्स्ट टाइम ही हुई है? फर्स्ट टाइम हुई है, अब ये जनने के बाद मालूम पड़े कि 8 दे देगी 10 लीटर टाइम पर। अच्छा अभी तो इसमें मेहनत करना आप लोग जी भैया, कितने 3 महीने है ना? 3 महीने जी भैया। ठीक है, क्या नाम है आपका? जितेंद्र गहलोत। जितेंद्र जी गहलोत, ठीक है भैया। ग्यावन है, देखिए आप काठी बढ़िया है, फर्स्ट टाइम में जनेगी है और 3 महीने प्रेग्नेंट है। देख सकते हैं कीमत की बात करें तो 20,000 रुपए में ऐसी गाय देपालपुर पशु मंडी, सॉरी देपालपुर नहीं, घोंसला की पशु मंडी से खरीदी है भैया ने 20,000 रुपए में, 3 महीने प्रेग्नेंट है। दोस्तों पिछले सप्ताह के मुकाबले हम घोंसला की बात करें गाबन बाकड़ी भैंसों की, तो भारी मात्रा में पहुंची है आज पशु मंडी में। काफ़ी भैंसों में दिनों दिन यदि बात की जाए तो वृद्धि होती जा रही है गाबन बाकड़ी में, और कुछ तानी में भी हुई है, पर तानी भैंस में कुछ विशेष डिफरेंस नहीं मिला है हमें देखने को, गाबन भाकड़ी भैंसों में मिला है कुछ। अगले आने वाले 1-2 सप्ताह में तानी भैंस में भी देखने को मिलेगा, तो देख लीजिए अभी जो आप भैंस देख रहे हैं इस वाली भैंस का शायद अभी सौदा चल रहा है, और जो ये भैंसे हैं अभी रामेश्वर जी की दामनी की आप भैंसे देख रहे हैं, घोंसला की पशु मंडी से गाबन बाकड़ी भैंसे लेकर पहुंचते हैं। तो उस वाली जो भैंस देख रहे थे उसका सौदा चल रहा था, देखते हैं ये अभी बड़ी बड़ी भैंसे लाते हैं पशु मंडी में। दोस्तों जो अभी आपने ये वाली भैंस देखी इसी को आप देख रहे थे, और एक वो वाली है जो दोनों भैंस का भी शायद ग्राहक लगे हैं, सौदा चल रहा है, तो दिखाते हैं हम आपको आज की घोंसला की पशु मंडी से, तो इसकी जो सौदे में कीमतें होती है वो क्या देखने को मिलती है हमें। भैया गाबन है खाली? दोनों खाली, देख सकते हैं अर्डर क्वालिटी देख लीजिए, जो भी इसका सौदा चल रहा है इन दोनों भैंसों का, तो जो भी होगा हम आपको आगे अभी इस वीडियो में दिखाने वाले हैं। देख सकते हैं आप अर्डर क्वालिटी, कदकाठी की बात करें तो जितने भी भैंसे हम आपको इस वीडियो के माध्यम से बता रहे हैं लगभग सभी की कदकाठी बढ़िया है, बड़ी बड़ी भैंसे ही आज की वीडियो के माध्यम से बता रहे हैं। भैया जो दोनों भैंसे आपने अभी खोली थी उसकी क्या कर रहे हो, दोनों की कीमत? दोनों की फाइनल 65,000 रुपए दोनों की फाइनल, और कितना क्या दूध होगा एक अनुमान? दोनों के बाद 3-3 लीटर, 3-3 किलो, ठीक है भैया 3-3 किलो के आसपास में दोस्तों दूध बताया गया है, और 65,000 बात की जाए तो दोनों भैंस की डिमांड रखी है। देख सकते हैं आप बड़ी बड़ी भैंसे लेकर पहुंचते हैं घोंसला की पशु मंडी में। एक इस वाली भैंस को देखिए दोस्तों, इसकी हाइट की बात करें तो बहुत ही बढ़िया बड़ी हाइट है भैंस की, देख लीजिए आप कलर क्वालिटी देख सकते हैं। देख सकते हैं दोस्तों अर्डर क्वालिटी, काफ़ी हाइट की बात की जाए तो बहुत बढ़िया हाइट है, शायद दूसरे या तीसरे बैंक में होगी है। तो भैया क्या लगा रहे हो कीमत इसकी? 1,15,000 रुपये। और कौन से ब्यात में भैया ये? दूसरे, दूसरे में। अच्छा दूध अभी 6-6 लीटर तैयार है टाइम का, 12 किलो रोज का, देख सकते हैं 1,15,000 रुपये दोस्तों इसकी डिमांड रखी है भैया ने, बहुत बढ़िया भैंसे अभी तक आप देख रहे थे। वो बात करें तो इसकी भी कदकाठी और हाइट बहुत ही बढ़िया है, देख सकते हैं हाइट एक अनुमान लगा सकते हैं आप। तो भैया आखिरी क्या इच्छा है आपकी, कहाँ तक होगी? एक ऊपर, एक से ऊपर। कितने क्या लग रहे हैं आज इसके? 90। 1 से 1.5 महीने के आसपास में गाबन भी है जी भैया। तो वो देखिए आप, ये भी गाबन है, बच्चा बच्ची भी है इसके नीचे।
भैया क्या कर रहे हो, कीमत कीमत क्या कर रहे हो? कीमत है इसकी 75,000। खाली है क्या गाबन है? 3 महीने की। 3 महीने गाबन। बच्ची भी है नीचे? बच्ची है ना। देख सकते हैं 3 महीने गाबन है, प्रेग्नेंट है, ये बच्ची है इसके नीचे। और कितनी 75,000 रुपए शायद भैया ने इसकी कीमत बताई है। देख सकते हैं अभी आप अडर क्वालिटी का अंचल देख सकते हैं। ₹75,000 कर रहे हैं भैया डिमांड इसकी। तो भैया अभी दूध कितना क्या तैयार है इसका? 3 लीटर दूध दे रही दोनों टाइम। दोनों टाइम कहाँ की है भैंस? अच्छा तो कितने क्या लग रहे हैं भैया इसके एक अनुमान? जो भैया आए थे अभी यहाँ पे उन्होंने कितने क्या लगाए? उन्होंने कितने भी लगाए, आपको लेना था, आपको लो। नहीं हमें तो सिर्फ एक जानकारी चाहिए, लेना नहीं। देख सकते हैं बच्चा है, कीमत जो भैया ने जानकारी दी है हमें लगभग, बात की जाए दोस्तों तो सही और जानकारी दी है। 66,000 रुपए इसके लगाए हैं। और कद काठी की बात करें तो बहुत बढ़िया भैंस है, बच्ची भी पाड़ा भी है इसके नीचे। दोस्तों इस वाली भैंस को देखिए, इसका अभी सौदा हो चुका है। जो ये बच्चा है ताजी जनी है। और आपको पहले अडर क्वालिटी बताते हैं दोस्तों, गाबन जो भाखड़ी भैंस है उसके बाद हम तानी भैंस की मंडी में पहुंचे हैं। तो मीन से जो अंकल जी पहुंचे हैं उन्होंने खरीदी है ये वाली भैंस और इन्होंने सेल की है। कितने में बेची हुई, कितने में हुआ सौदा? 80,000 रुपए में इन्होंने, जो बिलखेड़ा वाले हैं इन्होंने बेची है और जो मामा जी आए हैं इन्होंने खरीदी है। कितने में खरीदी मामा जी? 80,000 रुपए में। कहाँ से आए हो मीन से? क्या नाम है आपका? शंकर पटेल। शंकर जी पटेल, देख लीजिए तानी भैंस है और ताजी जनी है, करीब शायद तीसरे या चौथे व्यांत के आसपास में होगी दोस्तों इसकी बात की जाए तो। और तानी भैंस की मंडी में भी जैसे गर्मी का सीजन है तो गर्मियों में भैंसों के रेट थोड़े, तानी भैंसों के रेट पशु मंडी की बात करें तो हमें देखने को कम मिलती है, उसके हिसाब से तानी भैंस के थोड़े रेट ज़्यादा मिलते हैं हमें देखने को। अभी बरसात का सीजन आने वाला है, उसमें रेट की बात की जाए तो कुछ तानी भैंसों के जो कीमतें हैं वो कम हो जाएगी, 8,000 से 10,000 रुपए प्रति भैंस। दोस्तों एक जो तानी भैंस में हमें एक बड़ी भैंस दिखी है तो इसको देख लीजिए, इसका शायद सौदा भी लगा हुआ है, ये बच्चा है इसका। देख सकते हैं सौदा लगा हुआ है इसका, अडर क्वालिटी देख लीजिए आप। कित काठी की बात करें तो बड़ी भैंस है, हाइट की बात करें तो फुल हाइट है भैंस की। अपनी है बहू जी? हाँ। कई मांगी रही का? एक 1,40,000 मांगी। 1,40,000। कहाँ थे आया आप? इंदाबाद थी। दोस्तों कीमत की बात की जाए तो 1,40,000 रुपए इसकी डिमांड रखी है, बाकी देखते हैं कितने क्या लगते हैं अभी आज इसका मंडी में। शायद इसके ग्राहक भी लगे हैं, सौदा हो रहा है इसका। नीचे बच्चे की बात की जाए, पाड़ा है देख सकते हैं आप। तो भैया आप खरीद रहे थे क्या इसको? कितने लगाए थे आपने? 1,05,000 रुपए। देख सकते हैं 1,05,000 रुपए इसके जो हमने आपसे बात कराई थी इन्होंने लगा दिए थे, पर वो भी वो सेल नहीं कर रहे हैं, वो मना कर रहे हैं कि हमारे पिताश्री ने मना कर दिया है भैंस बेचने के लिए, इस कीमत में सेल नहीं करेंगे, कुछ रेंज और बढ़ती है तो सेल हो जाएगी। एक इस वाली भैंस को देखिए दोस्तों, देख लीजिए आप, इसके भी अभी सौदा चल रहा है इसका, जो भी होता है हम आपको आगे वीडियो में बताएंगे। तो देख सकते हैं कौन से व्यात में है ये, कौन से व्यात में है, कौन सा व्यात में जड़ी है?
ये तीसरा नजरिया, तीसरा में कई मांग रहा है का? इसका नाम मांग रहा है 90,000 रुपए, 90,000 रुपए। और दूध? दूध 6 किलो टाइम का, 6 किलो टाइम। अच्छा ठीक है दोस्तों, 6-6 किलो इसका दूध बताया जा रहा है, पर यदि मेरे अनुमान की बात की जाए तो करीब 4.5-5 के आसपास में दूध होगा। और 90,000 रुपये यदि इसकी डिमांड बताई जा रही है तो देख सकते हैं यहाँ पर इसके ग्राहक लगे हुए थे तो उन्होंने करीब 70,000 रुपये के आसपास में शायद बता रहे थे, वो 65-70,000 रुपये लगाए थे शायद उन्होंने। तो जो भी और सौदे में कीमत हो जाए, ताजी जनी है देख लीजिए आप। दोस्तों उस वाली भैंस से पहले आप, हमने आपको इस भैंस को बताया था, इसका सौदा चल रहा था, 1,05,000 रुपये उन्होंने लगाए थे, वो मना कर रहे थे, लेकिन 1,05,000 रुपये में इसका सौदा हो चुका है। कितने में हुआ भैया सौदा इसका? 1,05,000 में आपने खरीदी? हाँ। अच्छा कहाँ से बेची? आपने बेची है, कहाँ से है वो आप? झलारी, झलारी से। और आपने खरीदी साहब? हाँ। कितने? 1,05,000। आप कहाँ से आए हो? दसुल्डिया से। ठीक है वो। ये दूध कितना होगा इसका अनुमान है? 7 किलो पर टाइम का। ठीक है साहब। देखिए आप, कटकाठी की बात करें तो बढ़िया है, 1,05,000 में इसका सौदा हो चुका है घोंसला की पशु मंडी से। दोस्तों एक इस वाली भैंस को देखिए आप, इसकी भी कटकाठी की बात करें तो बहुत बढ़िया है, शानदार है। इसका कीमत का अनुमान लगाए हम तो करीब 95,000 के आसपास की भैंस होगी है। फाइनल कीमत बताई है हमने, बाकी कीमत तो थोड़ी बहुत ऊपर नीचे हो सकती है। भैया क्या कर रहे हो कीमत आप इसकी? कीमत क्या कर रहे हो? कीमत तो 40,000। 1,40,000। देखिए आप देख सकते हैं, 1,40,000 रुपए इसकी डिमांड बताई गई है। और 10 लीटर टाइम को दूते। अच्छा दो ही टाइम को? एक टाइम को? अरे दो ही टाइम को 20 लीटर है। दूध तो दूध का जानवर है, अभी तक 3 दिन ब्याह जने इसको। हाँ। कहाँ की है भैंस साहब? क्या भैंस आसंध्या की? अच्छा दोस्तों 10-10 किलो टाइम का इसका दूध बताया जा रहा है, पर मेरे अनुमान की बात की जाए तो 6-7 के बीच में निकालेगी भैंस दूध, क्योंकि यही है आखिरी क्या इच्छा है इसकी? 1,20,000। 1,20,000 इसकी फाइनल इच्छा है इन भैया की जो पशु लेकर पहुंचे हैं। तो देख लीजिए जो मैंने बताया वही अनुमान में जाएगी, ये 1-1 के आसपास में जा सकती है, 95,000 से 1,00,000 के आसपास में ये बच्चा है इसका। दोस्तों एक इस वाली भैंस को देखिए, ताजी जनी है, बच्चे को नाला लगा है। तो बाबू जी क्या हाल चाल है? अच्छा कितनी भैंस लाए थे आज? 4 भैंस लाए थे। कुछ हुई सेल? अभी नहीं हुई। नहीं बिकी? अच्छा तो इस वाली की क्या कर रहे हो कीमत आप? 1,35,000 मांग रहे हैं। 1,35,000 रुपए डिमांड कर रहे हो आप? और फल जमीन भी। अच्छा और भैंस अच्छी लाए बाजी? भैंस बढ़िया लाए। 1,35,000 रुपए डिमांड रखी है दोस्तों, देख लीजिए आप। अच्छा देख रहे हो अभी आप? देखी देखी भैया जी, मांगी भी है हम। अच्छा भैंस का तो सुबह शाम को 14 लीटर दूध देता है। 14 किलो? 7-7 किलो निकाल देंगे। अच्छी पतली चमड़ी, बहुत बढ़िया। 1,5 की मांग ली हमारे मजीद चाचा ने। अच्छा 1,05,000 की आपने मांग ली? वो मांग रहे, दूसरे भी मांग रहे जी। आपकी क्या इच्छा बाबू जी आखिरी कहाँ तक? आखिरी है 1,15,000। अच्छा 1,15,000 आखिरी इच्छा है अभी फाइनल? 1,05,000 आपने लगा दी जी भैया? ठीक है देखिए 1,15,000 रुपये फाइनल कीमत कर रहे हैं इसकी, और 1,05,000 जो साकिर भाई है उन्होंने लगा भी दिए इसके। दोस्तों जो घोंसला की पशु मंडी है या कोई भी पशु मंडी होती है उसमें से हम कोशिश करते हैं कि आपको जो बड़ी बड़ी भैंसें हैं उनको पूरी तरह से बताएं। पशु मंडी में जो अच्छी अच्छी भैंसें पहुँचती है, साफ सुथरी बड़ी बड़ी भैंसें जो हमारे
पशु मेले में आती है उनको हम बताने की कोशिश करते हैं। कुछ यदि आपकी ज़्यादा कमेंट आएगी तो हम कम से कम कीमतें वाली देसी भैंस भी बताएंगे इस वीडियो के माध्यम से। बाकी हम देसी भैंस बरसात के सीजन में बताते हैं क्योंकि उस टाइम बहुत ज़्यादा पहुँचती है और कीमतें भी अच्छी मिल जाती है। तो भैया क्या कर रहे हो, कीमत 2,20,000। कहाँ से पहुँचे हो भैया, कहाँ से आए हो? खांकरिया, आगर के पास। आगर के पास से आए हैं भैया। 2,20,000 रुपये दोस्तों इसकी डिमांड रखी है, बाकी डिमांड तो काफ़ी है। जो भी हो जाए सौदे में रेट तो कम होंगे, काफ़ी काफ़ी ज़्यादा कम होंगे। ये वाला बच्चा है, बच्ची है। कितने दिनों की है भैया? ये 10 दिन। 10 दिन की। तो भैया दूध अभी कितना क्या तैयार हुआ भैंस के पास में? 9 लीटर। 9 किलो अभी टाइम का दूध निकाल रही। अच्छा, 9 किलो दोस्तों दूध बता रहे हैं। और आपकी क्या इच्छा भैया, आखिरी कहाँ तक देना है? 1,80,000। कितने क्या लगे आज इसके मंडी में? आज लगे थे इसके 1,50-1,55 के आसपास में लग रहे हैं। 1,80 की आपकी आखिरी फाइनल इच्छा। ठीक है भैया, कौन से ब्याज में जनी है? कौन सा मेहत में जनी है? दूसरे ब्याज में जनी है। दूसरे ब्यांत में जननी है। 1,50,000-55,000 रुपये भैया बता रहे हैं इसकी कि इतने इसके पशु मंडी में लग चुके हैं। बाकी कीमत की बात करें दोस्तों तो मेरे को तो यही लग रहा है 1,50-1,55 काफ़ी ज़्यादा हो जाती है। ये भी 1,80 तो की तो भैंस नहीं है। एक इस वाली भैंस को देखिए, इसकी कदकाठी की बात करें तो ठीक है दुबली पतली है थोड़ी, तो कीमत भी कम होगी। क्या कर रहे हो, कीमत भैया? 90,000। अच्छा, दूध 6 लीटर। 6 किलो। हाँ, 6 किलो दूध बताया जा रहा है। 90,000 रुपए रखी है इसकी डिमांड। तो भैया कौन से गांव की है भैंस ये? गांव करनावत। अच्छा, कहाँ पे? आलोट के पास। आलोट जागीर के पास में। हाँ। जी भैया, उज्जैन जिले में जो महितपुर तहसील है इसी का गाँव है। तो 90,000 रुपए इसकी रख रहे हैं डिमांड। ये वाला बच्चा है, पाड़ी है नीचे, देख लीजिए 8-10 रोज के लगभग का बच्चा होगा, 10-12 रोज का। तो भैया आखिरी कितना तक होगी ये? आखिरी कीमत बताओ जो लेने देने वाली हो। आखिरी कीमत 90,000। 90,000। 85 भी दे देंगे। अच्छा, कितने क्या लग रहे हैं आज मंडी में इसके? 75-76 हज़ार तक लग चुके हैं। ठीक है भैया, कीमत तो दोस्तों काफी बताई गई है, बाकी गर्मी का सीजन है उसके हिसाब से कीमतें डिमांड तो काफ़ी ज़्यादा बताई जाती है। इसको भी देखिए, देसी नस्ल की भैंस है। तो भैया क्या कर रहे हो, कीमत इसकी? 90,000। 90,000 रुपये। और दूध होगा भैया 4.5-5? 8 किलो। दूध तो दोस्तों जो मैंने बताया वही है, बाकी भैया बता रहे 8 किलो। ये पाड़ा है, नीचे बच्चा है। कितने दिनों का है भैया? 2 दिन हुए। 2 दिन की जनी है। तो देख सकते हैं कौन से ब्यात में जनी है भैया? अच्छा, कौन से गांव से की है भैंस? करनावत। करनावत जी भैया। और आखिरी क्या इच्छा है आपकी? बैठक हो जाएगा। अच्छा, क्या नाम है आपका? मेरा नाम गोपाल सिंह। गोपाल सिंह जी, देख सकते हैं करीब 90,000 रुपये दोस्तों इसकी डिमांड रखी है। तो यही कुछ 75,000 के आसपास में मिल जाएगी है, 70-75,000 के आसपास में। दोस्तों घोसला पशु मंडी में जो सुनील भाई है, पिछले 5-7 सप्ताह से जो गाय है उनकी सेवा दे रहे हैं, जो बाहर से गाय की गाड़ी लेकर आते हैं और यहाँ पर सेल करते हैं। किसानों की गाय भी यहाँ की लोकल जो आसपास की गाय यहाँ पर मिल जाती है गाय मंडी में, पर हम उनके पास में जो गाय हैं अच्छी क्वालिटी वाली अवेलेबल है, तो इन्हीं की गाय की हम वीडियो को की जानकारी देते हैं। जो हमें पशु मंडी में दोस्तों जो नेपालपुर पशु मंडी की जो गाय मिलती है उस क्वालिटी वाली गाय आपको घोसला पशु मंडी में भी देखने को मिल जाती है। देख सकते हैं सभी जो ताज़ी जनी हुई गाय लाते हैं, कुछ 2-4-8 दिन की देर वाली भी लाते हैं। इस वाली गाय का शायद सौदा हो चुका है, इसकी मिल्किंग हो रही है, तो इसकी जानकारी हम पहुँचाते हैं आप तक। कटकटी की बात करें तो मीडियम है, कौन से व्यात में है शायद घर को भी
आइडिया नहीं लग पा रहा है, तो इन्हीं से हम इसकी जानकारी लेंगे। सुनील भैया कितने में हुआ सौदा इसका? 53,000 कितने क्या लाए थे आज? 14-15 थी और 8-9 बची। अच्छा 8-9 बची है, 14-15 का लेकर आए। 5 बिक चुकी, देख सकते हैं एसी एसी गाय इनके पास में अवेलेबल होती है। ये वाली गाय काफी है, भी शानदार है, देखिए आप दोस्तों। घोसला पशु मंडी में भी भैया जो गाय लाते हैं काफी बढ़िया बढ़िया अच्छी क्वालिटी वाली दुधारू करीब 5-7-8-10 लीटर की गाय प्रति टाइम का लेकर ये भी पहुंचते हैं, तो इस वाली की जानकारी हम लेते हैं। सुनील भैया उसकी क्या है कीमत? इसकी 62,000। इसका दूध कितना होगा? 8-10 लीटर टाइम का, दोनों क्या बने? अच्छा कितना समय लेगी ये? एक हफ्ता लेगी। अच्छा और वो वाली? वो भी एक हफ्ता लेगी, वो 7 दिन का दूध देगी। 7 किलो टाइम का, ये कितने तक हो जाएगी? दोनों का 67,000 रुपए लेंगे फाइनल। दोनों का फाइनल 67,000। अच्छा और वो वाली भी बता दीजिए। कौन सी? ये वाली। ये दोनों तीनों की कीमत बता दीजिए। 65,000 रुपए लेंगे, इसके 55,000 लेंगे, इसके 60,000 लेंगे। ये 60,000 है दोस्तों, ये 55,000 है और उस वाली का 65,000। दूध यही कुछ 7-8-9 किलो के आसपास, 10 किलो के आसपास, ये 10 और ये देगी 7-8। अच्छा ये दोनों 10-10 किलो की गाय है दोस्तों और ये 7-8 किलो की गाय है, देख सकते हैं तीनों जर्नी हुई, 2-4-5-4 रोज के बच्चे हैं इनके, ताजे। कहाँ की है भैया अपनी गाय? गुलाबपुर आ गए। तो कब आती है आपकी गाड़ी? संडे को। संडे के दिन शाम को? सुबह सुबह संडे के दिन 8:30 बजे। अच्छा संडे को। घोसला घोसला के ही हो आप? घोसला के। सुनील जी पुरवाल नाम है आपका? हाँ। अच्छा दोस्तों आपको भी यदि खरीदना हो तो आप संडे के दिन के घर पे भी जा सकते हो, घोसला के हैं भैया रहने वाले और गाड़ी आती है इनके संडे के दिन सुबह 8 बजे के आसपास। ठीक है भैया, देख सकते दोस्तों आज की वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। बाकी आपको वीडियो कैसी लगी आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। कल देवपालपुर पशु मंडी से आपको कैसी वीडियो चाहिए वो भी आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। बाकी वीडियो को दबाकर लाइक करें, शेयर करें और एक प्यारा सा कमेंट करें। मिलते हैं कल देवपालपुर पशु मंडी से करीब 12-1 बजे 2 बजे के आसपास में वीडियो आ जाएगी, वहाँ की भी कल। जय श्री महाकाल।